असलम वेलकम टू अनदर वीडियो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ एस ए टी मैथ सीरीज़ आई एव ऑलरेडी मेकिंग एन इंग्लिश सीरीज़ और उसमें ऑलरेडी तीन वीडियोज़ जो है वो अपलोड हो चुकी हैं दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन द मैथ्स सीरीज़ और साइमल्टेनियसली अब वन बाई वन आई बी कीप ऑन पोस्टिंग द वीडियोज़ ताकि आप लोग जो कि सैट की प्रपेशन कर रहे हो और जो जिन्होंने अपियर होना है इन द ट्वेंटी फोर्थ अगस्त एग्ज़ाम या फिर उससे नेक्स्ट वाले जो एग्ज़ाम डेट में तो आप उसको थोड़ा सो बेसिक्स को थ्रू कर सको और आपको हेल्प हो सके सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशंस और द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सिर्फ उसके ऊपर मैं थोड़ा सा टच अपन करूंगा उसकी बेसिक्स आपको रिवाइज़ करवाऊंगा और थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हैं वहाँ पे आपको आते हैं और आपने उनके कैसे आंसर लोकेट uh, करने हैं और कैसे फाइंड आउट करने हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड अब अगर हम लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि इट्स इक्वेशन किच इज कम्पोज ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्सटेंट्स एंड इट यूज एज यू कैन सी द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स ठीक है दो एलिमेंट्स हैं इसके एंड यूज द साइन इज इक्वल्स टू ये वाला जो साइन है ये हमारी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है तो दिस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू सेवन इज वट वी हैव एज अ लीनियर इक्वेशन एंड वट The goal is actually in the SAT exam is to solve the linear equation is to find the value of a variable. So we want to isolate this X. इन दिस इक्वेशन अगर हम इसको आइसोलेट कर लेंगे तो हमने वही वैल्यू लोकेट करनी होती है और उसके ऊपर हम जो सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अप्लाई कर रहे होते हैं एंड मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज गोइंग टू बी द गोल लेकिन ऑब्वियसली इस तरह से बेसिकली इतना सिंपल तरीके से पोज नहीं किया जाता क्वेश्चन क्वेश्चन को थोड़े और तरीके से पोज किया जाता है बट सिंपल इसको सेपरेट करने का तरीका बहुत आसान है हम जो है वो इक्वेशन को जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है चाहे हम एडिशन करें मल्टीप्लिकेशन करें सब्ट्रैक्शन करें हमने दोनों तरफ परफॉर्म करना है उस केस के अंदर हमारी जो इक्वेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होती और हम इसको आइसोलेट भी कर पाते हैं तो वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू डू इट ऑन बोथ साइड्स सो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें वी कैन एड वन ऑन बोथ द साइड्स अगर हम दोनों साइड पर वन एड करेंगे तो वी विल बी लेफ्ट विद एट हेयर और यहाँ पर जो वन है वो कैंसल आउट हो जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन डिवाइड बोथ द साइड्स विद टू एंड वी हैव आइसोलेटेड ओवर एक्स हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई है और हमने दोनों जो ऑपरेशन्स थे एडिशन uh, वाला और डिवीजन uh, वाला वो वा हमने परफॉर्म किया सो वट एवर यू विल भी डूइंग इन द लीनियर इक्वेशन यू विल है साइड्स सो दैट इज द बेसिक ओवर व्यू ऑफ एट राइट लेट्स मूव ऑन द रियल क्वेश्चन विच यू विल सी इन द एग्जाम किस तरह से इसको पोज किया जाता है तो कुछ इस तरह से आता है कंसिडर द इक्वेन टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव एक्स फाइव माइनस एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो लेट्स जस ट्राईड आउट यू कैन सी दैट वी नीड टू आइसोलेट एक्स वंस अगेन और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले जो हमने एक सैम्पल एग्जाम्पल देखी थी उसमें था एक एक्स इसमें अब दो वैल्यूज हैं तो हम उनको साइमल्टेनियसली uh, मतलब आपस में इसको हम एड या सब्ट्रैक्ट करके तो हमने इसको अगेन आइसोलेट ही करना है बट द मैथड वुड बीटल डिफरेंट राइट सो वी हैव टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स वट वी कैन डू इज वी कैन एड एक्स ऑन बोथ ऑफ द साइड वी कैन एड एक्स हेयर X Here as well, so with this x will cancel out, and this will become three x uh, the rest of the equation will be the same minus four is equals to five. Now, we want to remove four from this side, so what we'll do is we will add four here and we will add four here as well, so this four will cancel out, and uh, we will have nine on this side, so three x is equals to nine, and then we will divide both of these uh, sides with 3 this will cancel out and we will have 3 here so x is equals to 3 this is how you do the simple process of the linear equation You x ko isolate and probably if unhone question mein options nahi a b c d jo three option you will select that and you will move on all right

एक्स इज इक्वल्स टू फोर्टी टू इसको हम वन कह लेते हैं एंड फॉर द सेकेंड इक्वेशन वी हैव एक्स के इज इक्वल्स टू टू सो हाउ अबाउट वी डिवाइड बोथ ऑफ द साइड्स विद द के राइट तो यहां पे हमारा एक्स जो है वो आइसोलेट हो गया अब हम इस एक्स को पहली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं सो द फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम सिक्स इन टू टू बाई k is equals to is equals to 42. Now uh, this is 12 by k is equals to 42. Let's multiply both the sides with k. This k will cancel out and we have now uh, 42k is equals to 12. Dividing both the sides with

हमने पहले इसको टू से डिवाइड किया दोनों को फिर बाद में थ्री से डिवाइड करके हमने इसको बिल्कुल सिम्प्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया टू बाई सेवन इज़ दिप्प्लीफाइड फॉर्म हुई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन हेयर सो अगर कभी सॉल्व करने के बाद आपको वो ना दिखे तो इट डज मीन कि आपने उसको गलत किया है इट मीनस यू नीड टू सिम्प्लीफाइड बिट मोर यहाँ पे जितने ऑप्शन है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन में थे ये हमारे पास थोड़ी बड़ी वैल्यू आई थी तो यू कैन कीप ऑन डिवाइडिंग ऑन बोथ ऑफ द थिंग्स विद द सेम नंबर as long as you will get the simplified version so this is how you will see the question in exams and uh, this is a sad question basically now uh, linear that was the linear equation when with one variable we were only dealing with x there wasn't any other variable now sometimes we are given an equation in two variables and we are told the value of one of the variable so we need to plug the value of the known variable into the equation and to solve it how can we do it let's look at an example here so, uh, if 2x plus 5y is equals to 1 and x is equals to 3, what is the value of y? So, now we know what is the value of uh, x, it's given, and we need to find the value of y that is to be found. So, let's write it down 2 into the value of x is from this equation. We know that the value of x is 3 plus 5y is equals to 1. It is 6 plus 5y is equals to 1. We will subtract both sides with 6. We will have 5y is equals to minus 5. Now we will divide both the sides with 5. We will have y is equals to negative 1. So this is the value of y. इन इन एनी केस जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें उन्होंने एक वैल्यू दी होती है और दूसरी वैल्यू आपसे पूछा होगा कि एक वेरिएबल नोन होगा मतलब इस केस में एक्स वॉज नोन एंड वी वॉन्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल राइट मूविंग अलॉन्ग नाव

कभी कभार उन्होंने दोनों वैल्यूज का सम पूछ लिया होता है या वो कहते हैं कि दोनों वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू का पूछ लिया होता है तो लेकिन इन एनी केस यू हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ द इक्वेशंस इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर्स ठीक है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ सेट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स सो यू कैन सी अ सेट ऑफ टू इक्वेश्स विद टू वेरिएबल्स वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड वी हैव टू इक्वेश्स सेट ऑफ इक्वेशन सिक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू फाइव एंड टू एक्स माइनस वाई इक्ल्स टू फाइव इज़ वर बी कॉल्ड अस्टम ऑफ लीनियर इक्वेश्स हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेश वी नो स्टैंडर्ड दो मैथड्स हैं हमारे पास जो कि हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं और उनमें से एक है सब्सटीट्यूशन मैथड और एक है हमारे पास एलिमिनेशन मैथड सब्सटीट्यूशन मैथड के अंदर हम जो है वो uh, एक जगह से अपने किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट कर लेते हैं और हम उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट करके दोबारा से उस वेरिएबल को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके तो हम दोनों आ, कर लेते हैं एंड इन एलिमिनेशन हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम करके आफ्टर अपलाइंग द मल्टीप्लीकेशन और डिविजन रूल्स हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम करके उनको साइम उनको जो है वो आ, या ऐड कर देते हैं आपस में या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उससे भी हमारा जो है वो कह लो कि वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो सकता है all right so now you have system of linear equations and let's try to solve these uh, one by one with both with मैथड सबसे पहले जो है हम जो है वो सब्सटीट्यूशन मैथड जो है वो उसको अप्लाई करके देख लेते हैं सब्सिट्यूशन मैथड के केस में सबसे पहले आपने ये देखना है कि इन में से दोनों में से सिंपलर इक्वेशन कौन सी है उसमें से हम कौन सा वेरिएबल सेपरेट आउट आसानी से कर सकते हैं और फिर उधर से सेपरेट करने के बाद हम दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल को पुट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू जो है ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी सिंपलर लग रही है इसमें से हम वाई uh, को सेपरेट आउट कर सकते हैं और उसका तरीका ये होगा कि हम दोनों साइड पर जो है वो थ्री को माइनस कर देंगे राइट right? so this 3 x 3 x will cancel ojagamari equation ki, that would be y is equals to 6 minus 3x now you have separated out your y you can put this y here and you can solve it for the value of x so let's try that out 2x plus 7 into the y is 6 minus 3x and uh, is equals to 10 that would become 2x plus uh, 42 minus 21 x is equals to 10 19 uh, x uh, And uh, plus 42 is equals to 10 minus 19 x is equals to minus 32 uh two I'm name don't know side we I have a minus 42 cancel dia either 42 cancel 42 minus 42 double 10 Spread okay minus 32. Now we can divide both of the sides with minus 19. That is x is equals to we have negative negative se cancel okay 32 by 19. So this is our value of x here yeah, 19. Okay 32 by 19. Now we have 32 by 19. Ko इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेना है और हमारे पास हमारे वाई की वैल्यू आ जाएगी सो वाई इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस थ्री इन टू वैल्यू ऑफ एक्स थर्टी टू बाई नाइनटीन राइट सो सिक्स माइनस दैट वुड बी नाइनटी सिक्स बाई 19 and uh, 19 and 6 would be 114 minus 96 divided by 19 say 96 minus out so that would be 18 over 19 so that is the value of y now we know both y and x and this is how you do it with the substitution method. अब हम इसी सारे को प्रोसेस को रिपीट करते हैं और हम इसको करते हैं विद द एलिमिनेशन मेथड। लेट्स ट्राई दैट आउट अच्छा सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम द एलिमिनेशन मेथड इन केस ऑफ एलिमिनेशन मेथड आपने ये देखना होता है कि इनमें से हम कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम आ, आ, मतलब सिमिलर कर सकते हैं हमने वेरिएबल्स की वैल्यू सिमिलर करके ना दोनों में से किसी एक वेरिएबल की उनको आपस में सेपरेट या माइनस कर देना सिर्फ कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरा वेरिएबल जो है वो हमारे पास साइड पर आंसर के तौर पर आ जाएगा इसमें से अगर हम देखें तो इसमें सेवन वाई आ रहा है और इसमें वाई जो है वो अकेला सेपरेट है तो हम अगर इस इक्वेशन को यानी सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लेट्स से सेवन से मल्टीप्लाई कर लें सो दैट वुड बी ट्वेंटी वन एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू फोर्टी टू राइट दिस इज इक्वेशन वन नाउ इसको हमने सेवन से मल्टीप्लाई कर दिया अब इस इक्वेशन को हम टू एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल्स टू टेन यहाँ लिख लेते हैं इसको हम टू कह लेते हैं हम इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से माइनस कर देते हैं माइनस करने से होगा ये कि सेवन वाई जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा और जब हम uh, किसमें से दो माइनस करेंगे तो दैट वुड बी नाइन टीन एक्स इज इक्वल्स टू फोर्टी टू में से टेन दैट वुड बी थर्टी टू एंड एक्स वुड बी थर्टी टू बाई नाइनटीन और यही हमारा जो है वो सब्सटीट्यूशन uh, से भी सॉल्व करके आया था तो इट मीन्स वी आर गोइंग फाइन अब हम इस एक्स को पुट कर सकते हैं इन एनी ऑफ दीज द वैल्यू ऑफ वाई लेट्स एंड प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स नाइनटी सिक्स बाई नाइनटीन प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स दैट वुड बी अब दोनों साइड से हम माइनस नाइनटीन इसको कर सकते हैं तो माइनस नाइन्टी सिक्स बाय नाइनटीन और इधर भी माइनस नाइन्टी सिक्स बाय नाइनटीन करेंगे जब हम So, will cancel out. Ho uh, y would be, uh, that is going to be once again, 114 minus 96 and divided by 19 and we are left with uh, 18 by 19. So Y is equals to 18 by 19. Again, we have the same value of Y and same value of X that we solved with the uh, substitution method and this is how you do, do the elimination method. कोई बाउंडेशन नहीं होती है आप जिससे मर्जी सॉल्व करो विच एवर यू थिंक यू कैन डू बेटर एंड मोर एक्यूरेटली एंड मोर रोबस्ट आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो बट अगेन द द्वेश्चन इज ऑल्व इज गोइंग टू बी अबाउट यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर एक्स और वाई और बोथ तो इस केस में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लीनियर इक्वेशन एंड द सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेशन वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वी विल ग्रेजुअली मूव टू वर्ड्स द डिफिकल्ट वन बट दिस इज नाउ द वेरी बेसिक दैट यू नीड टू रिवाइज इफ यू ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स so thank you so much for watching the video i will see you in the next video of the series thank you lafis